चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 से 2014 तक के और 2005 से 2009 तक के चीफ मिनिस्टर थे, दो टर्नओवर। तो उनमें उन्होंने बहुत काम किए, बहुत से डिपार्टमेंट को हरियाणा प्रदेश को एक नंबर पर लेके गए। लेकिन जब उसके बाद 10 साल के लगातार राज के बाद काफ़ी हमारा हरियाणा प्रदेश एक नंबर कई तरह के दुग्ध में, डेयरी में, इस तरह के डिपार्टमेंट में आगे रहा पशुपालन। और उसके बाद जब से 10 साल के बाद अंतराल में बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये अपराध में एक नंबर प्रदेश हो गया और ड्रग्स में एक नंबर पे हो गया। बच्चों को यहाँ पर, छात्रों को इन्होंने अंधकार में धकेल दिया। जो हमारी हरियाणा की जो छोटी मोटी आस थी, जो उसको भी इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अग्निवीर जैसी योजना ला के सभी को उसमें पचड़े में पटक दिया, बच्चों के पास कैरियर नहीं। अटेली में टफ कंडीशन, हरियाणा के भी राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने भाजपा उतारा है, भाजपा ने और एक तरफ कांग्रेस है। किस तरह का मुकाबला आप मानते, मुद्दे क्या स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे तो यही है कि मैं राव साहब को, बड़े साहब को, जो हमारी प्रत्याशी, उनके पिताजी को धृतराष्ट्र की संज्ञा देना चाहूँगा, स्वयंभू की संज्ञा देना चाहूँगी कि उन्होंने सर्वे का कोई भी पालन नहीं किया। कहते हैं कि सर्वे होता है पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी ने ओरिजिनल सर्वे कराया, ओरिजिनल नब्ज को टटोला कि गांव में कौन रहता, गांव में कौन बसते हैं और उसके लिए कौन कॉम्पिटेंट कैंडिडेट है। तो कांग्रेस पार्टी ने, मुझे तो सारा ही मिल रहा है, आप देख नहीं रहे, चश्मे लग रहे आपको, देखो ये रहा, अब देखो धूप में बच्चे। विधायक का काम और इतनी भारी भीड़, किस तरह से आपने, ये क्या लगता है कि सीताराम और जी का वजूद कम होगा? देखो जब कमाल है, हमने जब ये कहा गांव वालों से जाके, मैंने अपनी खुद सर्वे करी, अगर भाई मेरे को वोट दोगे या नहीं दोगे, तो उन्होंने बोले ताऊ सीताराम जब अगर टिकट लेकर आ गया तो हम वोट आपको बहन जी नहीं देंगे। जब ताऊ सीताराम को टिकट कट गई और ऊपर की बाह्य शक्तियों ने टिकट मिल गई राजाओं ने, तो फिर गांव के लोग कहाँ जाए? गांव के लोग देखो धूप में आपके सामने, आप करेंगे, आपको क्या लगता है? आप देखो ना, आपको क्या लगता है, आपको लगता है? माना जाए जिस तरह से समर्थन है, कांग्रेस की जीत है और हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, यही माना जाए, नहीं यही बनेगी बात की भाई हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उसके हम विधायक होंगे अटेली विधानसभा क्षेत्र।